फिर से खेलने वाले हैं इंडियन वाइज डेविल 3000 मिथ्स को फिर से फर्स्ट या कंफर्म करने वाले हैं। तो भाई लाइक करो यार, काहे लाइक कर रहे यार, बहुत मजा आ रही है तुमको भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना और वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिथ्स भेजना चाहते हो भेज सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं। हमारे कमेंट सेशन के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं मेरे भाई, तो कमेंट्स कर सकते हो। तो लाइन कमेंट्स करोगे तो उसको भी मिथ बना डालेंगे भाई, तुम बात क्या कर रहे हो। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3000। अपना फर्स्ट मिथ है कि 101 वाली कार की लाइट ऑन नहीं होगी। अरे भाई साहब, 101 से अपनी क्या चीज आती है सबसे पहले आप लोग कमेंट्स कर सकते हो क्या। अरे वाह, मेरी फर्नाक वाली फॉर्च्यूनर आती है, इसकी लाइट ऑन नहीं होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको नाइट मोड करना पड़ेगा, जो कि आप लोग आराम से कर सकते हो। एक सिंपल भी तो बुझाना है, बस बुझा दो ठीक है। ऐसे करके आपको एक गाड़ी मिल जाएगी, बैठ जाना है उसके अंदर। वैन आप लोग देख सकते हो, ये है हमारी फॉर्च्यूनर लेजेंडर। इट इज अ नॉट अ फॉर्च्यूनर, सिंपल फॉर्च्यूनर 1000 से आती है, ये लेजेंडर 1001 से आती है, इतना याद रखना ठीक है। अब इसकी लाइट ऑन करते हैं। रुको, अरे होती है क्यों ना, किसने कहा नहीं होती है, होती है यार, ऑन होती है। अगर आपको एक चीज़ बताऊं मैं, अगर मैं आपको कहूं नहीं होती है, मैं इसको बताने के अलग अलग तरीके हैं। जादूगर जानते हो तुम, जादूगर बन जाओ थोड़ी देर के लिए। रुको अभी मैं बताता हूँ, ये देखो ये मैं बन गया जादूगर, अब बताना लाइट ऑन होती है कि नहीं। आप लोग ये देखो, ये आप बटन देख लो, मैं दबाऊंगा आपके सामने। ये देखो मैं बटन दबा रही है, बंद कर रही है, दबा रही है, बंद कर रही है, आपके सामने जो चीज़ें हो रही हैं बन। अब आप कहोगे कि इसकी लाइट ऑन नहीं होती है, अब मैं यहीं पे बस्ट कंफर्म कर सकता हूँ अपनी मर्जी चाहूँ तो। अगला सीन आपको ना दिखाऊँ तब भी चलेगा। वैन अगर आपको सच्चाई बतानी है, ये देखो अगर आप लोग यहाँ से देखोगे ना, जल रही है। ये हर गाड़ी के साथ होता है भाई, कोई सी गाड़ी ले लो, कोई सी भी गाड़ी ले लो, अपनी मर्जी से गाड़ी ले लो, उसके साथ ये चीज़। ये देखो ये बहन जा रही है, इसकी भी लाइट ऑन नहीं है भाई। इसकी लाइट ऑन होती है साले, ये NPC चलाते नहीं है लाइट को, पता नहीं किसका खर्चा बचा रही है ये सरकार का कि अपने घर बल्ब जलाना इनको। चलो ठीक है, अब यहाँ पे अपनी मैं महिंद्रा थार को स्पॉन कर लूँगा ना। आप लोग कहोगे भाई उसकी तो लाइट तो जलती 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 होगी, बट मैं अगर इसमें अंदर बैठ जाऊँगा ना ठीक है, अगर देखो ये देखो, अगर मैं यहाँ से आपको आगे का सीन दिखाऊंगा ना, ऐसे लाइट जला दी, ये देखो लाइट दिख नहीं रही है जलती हुई। अगर आप लोग इसकी जो आगे वाली लाइन है उसको देखोगे, वो देखो थोड़ी सी जलती है बंद हो जाती है, थोड़ी सी जलती है बंद होती है। इस गेम में ये चीज़ है कि वाइब्रेशन लेवल ज़्यादा है, इसमें लाइट गाड़ी जहाँ पे खड़ी है हजारों किलोमीटर आगे जल के लाइट जलती है। ये देखो इस टाइम लाइट जल रही है, ये देखो आगे देख सकते हो जल रही है, अब यह बंद हो गई, जल रही है बंद हो गई। हर किसी गाड़ी के साथ ये चीज़ होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वाला मिथ बस्टेड है, तो भाई सब बस्टेड है। अपना नेक्स्ट मिथ है कि अगर हम इन्फिनिटी हेल्थ का सीट कोड लगाएं और थार स्पॉन करें और होगा मैजिक। ये तो भाई मतलब कि ये तो वो चीज़ हो गई चोर की दाढ़ी में तिनका। अब इसका क्या मतलब है ये तुम लोग जानो, बट ये चीज़ बहुत ही अलग हो गई। इन्फिनिटी हेल्थ लगाओ और थार को स्पॉन करो, जैसे हम लोगों को कुछ पता ही नहीं होता, हम तो ऐसे ही हैं बस बैठे हैं, कर डालेंगे कुछ भी। देखो भाई तुमको एक चीज़ बताता हूँ, देखो 9129 ये है इन्फिनिटी हेल्थ, ये तुमको बचाएगी, तुमको ये बचाएगी, कोई तुम्हें मारने आएगा तुम वॉस्टेड नहीं होगे, बस इसी के लिए काम होती है यार, इसका और कोई काम नहीं है। अगर तुम स्काई फॉल कर रहे हो तब ये काम आएगी तुम्हारे, कि तुम नीचे गिरोगे तो कुछ होगा नहीं तुम्हें। अब तुम यहाँ पे 9990 डायल कर दोगे और क्या तुम्हें मैं बम लग जाएंगे, बम फूटने लग जाएंगे, कुछ नहीं होगा। देखो कुछ भी नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ भाई, देखो क्या हुआ, देखो इन्फिनिटी हेल्थ तो लगा ही है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कई बार इन्फिनिटी हेल्थ लगाते हैं हम लोग। हाँ इसका अगर तुम मिथ बनाना चाहते हो तो रुको मैं सोच लूँगा, बन सकता है इसका मिथ, बन तो सकता है जुगाड़ लगाया जाए तो। मैं इस अगर तुम इसकी जगह अगर तुम इन्फिनिटी हेल्थ भी बताते, अगर साथ में मून ग्रेविटी बताते, थोड़ी लाइन और ऐड करते, काम बन जाता तुम्हारा। चलो अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। 7112 से आपको मून ग्रेविटी लगानी है सबसे पहले, ये चीज़ हो जाएगी है, मेरे को भी इतना पता नहीं है, बाइक के साथ होती है ये चीज़, इसके साथ हो जाए तो फिर तो बढ़िया है ठीक है भाई, एक बार ट्राई मारेंगे। अब देखो रिवर्स करना है आपको, गाड़ी को रिवर्स करते जाओ, रिवर्स करते जाओ, ऐसे ही रिवर्स करते जाना, एकदम से बटन दबा देना एंड एग्जिट कर देना। ये मैंने किया एग्जिट, ये मैं गया आगे, कहाँ गया मैं एक बार वेट एंड वॉच, ज़्यादा ऊपर नहीं गया, बट हाँ भाई ये मान सकते हो कि
सही चीज है भाई, इतनी रिवर्स करने के बाद ये चीज मैं अभी बाइक के साथ करके दिखाता हूँ आपको कि ये कितनी हाईफाई चीज है। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे कोई भी बाइक स्पॉन कर लो, मर्जी है भाई। 3000 मेरी तेजा मस्त बाइक लगती है तो मैं ये करता हूँ, क्योंकि इसकी स्पीड भी ज्यादा है। तेरो अब रिवर्स जैसे भाई उस बाइक से बस लड़ मत जाना, ये मुझे देखना है बस। ठीक है ठीक है, रिवर्स 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 एकदम से एग्जिट दबा दो। ये मैंने दबाया एग्जिट, ये देखो ये होता है भाई पावर, ये है पावर, तेजा अल्ट्रा लेवल मिथ है ये। मैंने ये भाई ये भी आप ही ने बताया है, वही मुझे याद है। देखो क्या खतरनाक मिथ है भाई, ऊपर से गुलेल इसका मैंने नेम भी रखा था, गुलेल मैन करके कुछ नाम था। ये गुलेल से ऐसे फेंकती है बाइक, अलग लेवल के सस्ते नशे हो जाते हैं। तो ये वाला मिथ कन्फर्म है, कन्फर्म इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कन्फर्म कर दिया मेरे बारे में। नेक्स्ट मिथ है कि अगर आप घर में शीशे में दीवार को देखोगे तो आपको स्काईफॉल दिखेगा। क्या ये बहुत ही महंगी चीज़ें लग रही है यार, बहुत महंगी चीज है यार। चलते हैं घर पे और देखते हैं कौन से शीशे में स्काईफॉल दिख रही है हमको। जल्दी से हम लोग नीचे उतरते हैं। घर के शीशे में, मतलब कि घर के अंदर शीशा भी दिया हुआ है? व्हाट इज दिस, ये कौन क्या बता रहे हो तुम भाई? शीशा है कहाँ? मुझे भी तो दिखाओ, शक्ल देख लूँ मैं अपने बंदे की थोड़ा। ये तो टीवी है यार, और क्या चीज है यार? आगे पेंटिंग वगैरह दी हुई है, शायद सेकेंड फ्लोर पे शीशा दिया होगा क्या? नो भाई, शीशे का तो एक भी ये भी एक पेंटिंग है, शीशे का तो एक भी कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो भाई घर में जो शीशा है जो शीशा दिखता नहीं है वो शीशा है घर में। एक तो घर में ये शीशा है घर में शीशे लगे पड़े हैं, क्या बात है भाई। इतना घूम लिया, मुझे शीशा दिखाने, छोटा सा शीशा मिल जाए तो अरे करेक्टर की शक्ल दिख जाएगी। ऊपर तो सारा जिम का सामान है, शीशा होगा नीचे, इतना तो मुझे पक्का पता ही है। ए साले आराम से जंप लेता यार, क्या बात कर रही है यार। चलो भाई अब भाई सीरियस हो जाओ यार। अब शीशा ढूंढना है मुझे, घंटा मुझे कुछ नहीं करना, अब शीशा ढूंढना है। ये शीशा नहीं है, टीवी है साली। भाई ये स्काईफॉल का नज़ारा दिख रहा है हमारी टीवी में, मतलब कि ब्लैक एंड वाइट में दिख रही है। मतलब ये चीज़ स्काईफॉल में ऐसी चीज़ें दिखती हैं दूर की, जैसे हमारा बंदा ब्लैक होल में जा रही है, वो ही सीन मजे वाला दिख रही है। बट अच्छे से नहीं, मुझे ये सीन पता है कि यही चीज। अरे भैंस की टांग, पीसी तोड़ देगा क्या ये अपना पेंटिंग का सामान? ना ना ना, ये चीज तो सस्ते नशे हो रही है यार, क्या बात है भाई। कहाँ पे शीशा बताओ यार, छोटा सा बल्ब भी दे दो हमारे घर में, लाइट जल जाए रात में। छोटा सा बल्ब भी नहीं है और साले पेंटिंग से पूरा घर भरा हुआ है यहाँ पे। अरे अरे कौन आता है हमारे घर में ये चाय पीने भाई? हमको तो कभी नहीं मिली यार, ये क्या परमानेंट यहीं पे रहते हैं क्या भाई? हमको कभी ना ये चीज़ मिली है, ये खाने को मिला, ये घर पे आता कौन है साले? क्या बात कर रहे हो? तो ये वाला मिथ भाई हमारे लिए बस्टेड है। अगर वो टीवी में जो चीज़ दिख रही है अगर वो है तो ये वाला मिथ कन्फर्म है, अगर वो चीज़ है तो ये वाला मिथ कन्फर्म है। वैसे ये वाला मिथ बस्टेड है, निकलते अपने नेक्स्ट मिथ। ऑलराइट गाइस, अपना नेक्स्ट मिथ है जो कि अपना शोरूम के रिलेटेड है। सबसे पहले आपको शोरूम के पास आ जाना, जैसे कि मैं आ रिया यहाँ पे। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ भाई, मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी। अगर इस वाले जो ये जो अपडेट आया था, पता नहीं इसमें चेंज हुआ है कि इससे पहले अपडेट आया था उसमें चेंज हुआ, क्योंकि मैं शोरूम पर इतना आता ही नहीं, मैं उधर ही साइड रहता हूँ। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शोरूम हमारा बिल्कुल चेंज हो गया। जब ये शोरूम आया था तो ये कुछ और था, अब ये कुछ और है। पहले जो शोरूम आया था उसमें एक दीवार थी, इधर दो गाड़ी खड़ी होती थी, इधर होती थी। अब क्या हुआ, अब शोरूम को चेंज किया गया है। ये देखो यहाँ पे चार, इधर तीन ही कार हैं, उधर साइड दो कार हैं, और इसमें कोई भी दीवार नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कह रहा हूँ आपको, मैं चीज़ें बताता हूँ। ये देखो ये तीनों गाड़ी एक साथ खड़ी होती थी, और उधर साइड एक दीवार होती थी, उधर साइड दो गाड़ी खड़ी होती थी, बट इधर दीवार हटा दी गई है। और चीज़ें बताता हूँ, ऊपर एक ग्लास था, जैसे ये नीचे आपको ग्लास दिख रही है, ये विंडो दिख रही है ग्लास वाली, ये जो ग्लास दिख रही है ऊपर, यही ग्लास ऊपर होते थे ऐसे करके। यहाँ पर मैंने हेलीकॉप्टर भी स्पॉन कर दिया था, नीचे आ गया था, ठीक है। और जो ये आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं ऊपर जाने के लिए, पहले ये सीढ़ियाँ उधर से हम लोग ऊपर जाते थे यहाँ पे एंड में आके यहाँ पे ख़त्म हो जाती थी सीढ़ियाँ। अब उसको करके यहाँ पे सीढ़ियाँ नीचे भी आने वाला ऑप्शन बना दिया है। इसको कंस्ट्रक्ट शायद मेरे साथ उस टाइम कंस्ट्रक्शन में होगा, अब इसको पूरा कंप्लीट किया गया है, चेंज किया गया है। पहले हम लोग यहाँ पे ग्लिच होता था, अब भी ग्लिच होता, अब हम लोग अगर आप लोग इसके दीवार के आर पार भी जा सकते हो, जैसे इसके अंदर जाओगे आप लोग इसके आर पार जा सकते हो। ये देखो मैं इसके आर पार आ गया, तो वैन ये अलग लेवल के सस्ते नशे हैं। इसके ऊपर भी जाना चाहते हो जा सकते हो जेट पैक का यूज़ करके।
अल्ट्रा लेवल के सस्ते नशे। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, आगे चलो नीचे गिरो, सबसे पहले आप लोग आराम से भी आ सकते हो नीचे, मैं तो ऐसे ही हूँ। तो वह जो ये चीज़ है आप लोग देखो, ये जो छत है जिसके नीचे आप लोग कोई कार खड़ी कर सकते हो, ये सिर्फ उधर साइड था, अब ये दोनों साइड हो गया। ये कार शोरूम का जो लोगो है उसको भी बड़ा किया गया है, पहले ये इतना बड़ा नहीं था। तो ये था ये है मिथ। क्या आपको ये चीज़ पता थी, कमेंट करके बताना, नहीं पता थी तो पता तो चली गई। तो वैन आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स करके अपने मित भी दे सकते हो, हम लोग कन्फर्म या बस्ट करेंगे। सिंपल है तो सिंपल भेजो, खतरनाक है तो खतरनाक भेजो, और ऐसी क्रेजी वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हम लोग ऐसे ही हैं। तो वैन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो पे, तब तक खेलिए, टाटा बाय।